Don't forget to subscribe our YouTube channel. Hi viewers, today our topic is merits and demerits of parliamentary form of government. Merits and demerits को समझने के लिए आपने ये video end तक देखनी है. Merits of parliamentary form of government और parliamentary system के गरम बात करने सबसे पहले हमारे पास आता है representation of the people. the parliamentary form of government provides opportunity to various ethnically racially linguistically and ideologically diverse groups to share their views in framing of laws and policy making yani जितने भी हमारे पास एथनिकली रेशली लिंग्विस्टिकली डाइवर्स ग्रुप्स हमारे पास मौजूद होते हैं उनको एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलती है पार्लियामेंट में ताकि वो अपनी राय दे सके किसी भी लॉ मेकिंग में किसी भी पॉलिसी मेकिंग में जब वो लेगिस्शन में तो लेगिस्लेशर में जो भी पार्लियामेंट में यानी कोई भी न्यू लॉ इंट्रोड्यूस किया जा रहा हो कोई भी न्यू बिल पास किया जा रहा हो कोई भी अमेंडमेंट की जा रही हो कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो अपनी राय देंगे वो डायवर्स डायवर्स ग्रुप कौन हो कौन से हो सकते हैं वो रिलीजियसली भी डाइवर्स हो सकते हैं को वो कल्चरली भी डाइवर्स हो सकते हैं ठीक है तो वो मुख्तलिफ जो लोग होते हैं जिनकी डाइवर्स डाइवर्सिटी होती है उनमें यानी अगर हम बात करें आ, क, मुस्लिम कम्युनिटी की फिर इसके बाद आते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक स्टेट में हो ठीक है तो हर एक आ, और फिर हिंदू कम्युनिटी की फिर सिख कम्युनिटी की जूस कम्युनिटी की तो ये जितने भी रिलीजियसली कोई कम्युनिटी हो ठीक है अब यह मैं रिलीजियस कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ तो वो हर एक रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर को एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलती है जो अपने हल्के से जीत के आया हो वो होता है पार्लियामेंट में ताकि वो अपनी राय दे सके कि किसी भी लॉ मेकिंग में जो लेगिस्चर में फर्दर हो रही हो वो भी एक पार्लियामेंट के मेम्बर्स होते हैं तो वो उनके पास ये अथॉरिटी होती है और उनका ये राइट right होता है कि वो भी किसी भी किसी लॉ मेकिंग में अपनी राय दे सके कि कौन सी जगह पे किस चीज़ को इंप्लीमेंट है और किस जगह पर किस जगह पे अमेंडमेंट करनी है तो ये उनके पास एक राइट right होता है फिर अब फर्दर बात करें बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इट मेक्स इजी फॉर द गवर्नमेंट पास द लेजिस्लेशन इन द पार्लियामेंट एंड इंप्लीमेंटिंग अब लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंटेरियंस है हमारे पास और एग्जीक्यूटिव हु रन द गवर्नमेंट जिसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है अब इनके दरमियान लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के दरमियान जिसमें मिनिस्टर्स भी आते हैं उनकी कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी होती है क्यों क्योंकि हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट का सेंटर जो होता है वो पार्लियामेंट होता है पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि गवर्नमेंट को क्या करना है ठीक है अगर गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज ठीक ना हो तो वो पार्लियामेंटेरियंस का ही काम होता है कि उसके अगेंस्ट जाए कि उसको अपोज करे उन पॉलिसीज को अपोज करे उन लॉज को अपोज करे कि वो पास ना हो लेकिन लेगिस्टेशचर में ठीक है तो ये एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही होता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट द पार्लियामेंट कैन चेक द एक्टिविटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव इन अ प्रेजिडेंशियल सिस्टम द प्रेजिडेंट इज नॉट रिस्पॉसिबल टू द लेजिस्लेचर अब ये होता है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किस तरह होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सबसे बड़े बड़े जो फायदा है हमारे पास एडवांटेज है यानी मेरिट है हमारे पास वो यही है कि हम हाँ, पार्लियामेंट जो होती है वो गवर्नमेंट को चेक करती है कि कौन सी गवर्नमेंट जो है एग्जीक्यूटिव जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वो क्या कौन सी जगह पे कौन कौन सा काम कर रही है कोई गलत काम कर, तो नहीं कर रही जो हमारे सिटीजन्स के बाशिंदों के मुल्क के बाशिंदों के हक़ हक में ना हो तो वो लॉ मेकिंग पॉलिसीज़ को चेक करती है ठीक है तो वो उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है उस तमाम चीज़ों पर चेक एंड बैलेंस किया जाता है पार्लियामेंट टेरियंस जो होता है उस चीज़ को देखती है अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम ये होता है कि वो प्रेसिडेंट जो होता है जो एग्जीकटिव होता है वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता मतलब वो आंस आंसरेबल नहीं होता पार्लियामेंट को चाहे जो करे उसने अपना टर्म पूरा करना होता है अपने जो उसको टर्म मिला होता है लाइक फाइव ईयर्स उसको मिले हुए होते हैं उसने अपना टिनोर जो है वो पूरा करना होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता पार्लियामेंट को कि वो अपनी कौन सी पॉलिसीज ला रहा है और कौन सी पॉलिसीज में अमेंडमेंट कर रहा है रिफॉर्म्स ला रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रहा है वो उसको उसके हवाले से कोई भी उस इसके ऊपर इम्पोज इंप, कोई चीज़ इम्पोज नहीं होती ना वो पार्लियामेंट को जो है आंसरेबल होता है उसके वो अपने उसने अपना टिनोर प्य पूरा करना होता है और उस टिन में उसने चाहे जो पॉलिसी लाई वो उसको उसने इंप्लीमेंट करना है अपने उस स्टेट में ठीक है फर्दर होता है अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव गवर्नमेंट यानी अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेट गवर्नमेंट द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन इंट्रोड्यूस एंड पास नो कॉन्फिडेंस मोशन अब ये होता है कि हर वक्त जो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट की अवेलेबिलिटी होती है वो इसलिए कि अगर एग्जीकेटिव यानी अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की हेड ऑफ गवर्नमेंट की अगर उस पर उसके अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए पार्लियामेंट में तो वो उसी वक्त जो है वो पार्लियामेंट डिजॉल्व हो जाती है ठीक है और न्यू इलेक्शन होते हैं जनरल और फिर न्यू गवर्नमेंट आती है जो कि जिसके पास मेजॉरिटी सीट्स होती है जिस पोलिटिकल पार्टी के पास पीपल्स गवर्नमेंट द मेम्बर्स ऑफ लेजिचर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ड्रा द टेंशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल फर्दर ड्यूरिंग इलेक्शन पोलिटिकल पार्टीज वेरियस इशू पीपल ऑफ पीपल गवर्नमेंट इज सिग्निफिकेंट इसमें पर पीपल्स गवर्नमेंट में यह होता है आ, कि अगर हम बात करें तो ये लोगों की हुकूमत होती है ठीक है वो वो डिसाइड करते हैं कि कौन से आ, किस पॉलिटिकल पार्टी को हमने जिताना है किस पॉलिटिकल पार्टी को हमने नहीं जिताना और कौन सी ला मेकिंग कौन सी ला पॉलिसीज जो होती हमारे हक़ में बेहतर होगी वो अपने उन कैंडिडेट्स को जो उन्होंने सेलेक्ट किया होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से ठीक है कॉन्स्टिट्यूंसी यानी हल्के से जो बंदे होके आए होते हैं उनको सेलेक्ट किया होते हैं उनके थ्रू अपने आवाज़ जो है पार्लियामेंट तक पहुँचाते हैं और वो फर्दर जाके पार्लियामेंट की पॉलिसीज में अपना किरदार अदा करते हैं अगर हम फर्दर बात करें डी मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम की तो कैबिनेट डिक्टेटरशिप The Council of Ministers, with the support of the majority in the lower house of legislature, tends to be irresponsible. Being assured of the support of the majority, it doesn't care for the feelings and व्यूज़ ऑफ अपोजिशन अब इसलिए बात कैब कैबिनेट डिक्टेटरशिप में ये बात आती है कि जो मिनिस्टर्स का कौंसल होता है ना वो आ, उनके पास मेजोरिटी का एहसास होता है कि हमारे पास तो मेजोरिटी है लेगस्लेचर में हम हम हमारे पास सपोर्ट है मेजोरिटी हम चाहे जो कुछ भी करें कोई पूछने वाला नहीं है तो उस मेजोरिटी का एहसास होने में यानी हम अगर हम आए हैं किसी हम अगर एग्जीकटिव ब्रांच में आए हैं अगर हम गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं तो वो इसलिए आए हैं कि हमारे पास हमें पार्लियामेंट ने चूज़ किया और पार्लियामेंट ने क्यों चूज़ किया वो क्योंकि हमारी मेजॉरिटी है लेजिस्लेचर में यानी पार्लियामेंट में हमारी पोलिटिकल पार्टी की जो है मेजॉरिटी है और उन्होंने ही हमें जो है चूज़ करके एग्जैक्टिव ब्रांच में भेजा है तो हम जो करें हमारे पास बाकायदा सपोर्ट है मेजॉरिटी पा, uh, की पार्लियामेंट में तो हम अपोजिशन को ओपोजिशन uh, हमारा यानी कुछ नहीं कर सकती है वो हमारे अगेंस्ट नहीं जा सकती तो ये एक इस्पॉन्सबल बन जाते बन जाते हैं गवर्नमेंट के ये जो एग्जेक्टिव ब्रांच के लोग होते हैं वो फिर अपनी मनमानिया करते हैं तो ये एक डी हमारे पास डीमेरिट की शिकल में आती है बात फिर बात आती है कि गवर्नमेंट बाई एमर एम मेट्योर की किस तरह द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लैक्स कॉम्पिटेंस एंड इफेक्टिवनेस बिकॉज द मिनिस्टर्स आर मोस्टली एम मेर अब पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट में जो लोग आते हैं मेंबर्स आते हैं जो इलेक्ट होके आते हैं पार्लियामेंट में वो उनमें से जब कुछ लोग मिनिस्टर्स की शक्ल में चूज होते हैं तो उनके पास गवर्नमेंट को रन करने की इतनी खास काबिलियत नहीं होती क्योंकि उन्होंने पहले कभी गवर्नमेंट को रन नहीं किया हुआ था क्योंकि आ, इनके पास अहलियत क्यों नहीं होती क्योंकि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो जिस तरह ये आते हैं किसी मिनिस्ट्री के फॉर्म में जो है इनको रोल मिल जाता है और फिर वो उस चीज़ को जो है वो उस लेके जाते हैं लेकिन उनके पास इफेक्टिनेस यानी उनके पास वो इतने इफेक्टिव नहीं होते उन्होंने पहले कभी इस तरह कुछ किया नहीं होता आ, फर्दर आता है कि कंट्रोल बाय ब्यूरोसी ब्यूरोसी से किस तरह वाल द कैबिनेट इज़ पावरफुल मोर पावरफुल इज़ द ब्यूरोसी मिनिस्टर बींग मोस्ट एम डिपेंड अपॉन सिविल सर्विस फॉर एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस अब ब्यूरोसी जो ब्यूरोट्स होते हैं वो इनको गाइड करते हैं जो मिनिस्टर्स आते हैं वो इसलिए कि जितनी कैबिनेट इस जो हैगी पावरफुल होगी उतनी ब्यूरोसी भी पावरफुल होगी अब ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं कि वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के सर्वेंट्स होते हैं वो इलेक्शन के थ्रू नहीं आते वो एक क्वालिफाइड सर्वेंट्स होते हैं या फिर नीचे लोअर 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 से ले कर अपर अपर तक आते जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स जितने में होते हैं लोअर से लेके अपर तक वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और उनको किसी इलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती आने की वो बस जनरली एक जो जॉब अपॉर्चुनिटी होती है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके थ्रू आते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए और वो इलेक्ट सॉरी सेलेक्ट होके उसके लिए क्वालीफाई कर जाते हैं तो वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और उनको किसी भी चीज़ का ख़दशा नहीं होता उनकी जो जॉब जाने की अल्बा मिनिस्टर्स को अगर उनके अगेंस्ट कोई इस तरह पॉलिसी आ, आ जाए या इस तरह कोई, आ, बिल आ जाए ठीक है तो अपोजिशन की तरफ से तो वो उनको जाने का खतरा होता है अब ब्यूरोक्रेट्स की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि द सिविल सर्वेंट्स एक्सरसाइज रियल पावर्स इन द नेम ऑफ मिनिस्टर्स दे डू नॉट कम आउट टू द फ्रंट दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द लेगिस्लेचर अब ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं कि ये जो है मिनिस्टर के बैक पे सब काम करते हैं फ्रंट पे तो मिनिस्टर का नाम यूज़ किया जा रहा होता है कि मिनिस्टर फलाम मिनिस्टर ने ये पॉलिसी बनाई और इस पर इस तरह इम्प्लीमेंट किया लेकिन उसके पीछे जो सारा माइंड सेट होता है एक ब्यूरोक्रेट का होता है वो उस उनको सपोर्ट करते हैं वो अकाउंटेबल नहीं होते इस चीज़ के कोई भी गलत एग्दाम जब होता है कोई भी गलत स्टेप उठाया जाए अगर कोई भी गलत स्टेप उठता है मिनिस्टर से तो उसके लिए मिनिस्टर अकाउंटेबल होता है पार्लियामेंट को क्यों सेंटर ऑफ गवर्नमेंट है ब्यूरोक्रेट्स को कोई नहीं पूछता तो ये भी कहते हैं कि ये कंट्रोल बाय ब्यूरोक्रेसी यानी कंट्रोल बाय ब्यूरोक्रेट्स ब्यूरोक्रेट्स इनको कंट्रोल करते हैं मिनिस्टर्स को क्योंकि इनको एक्सपीरियंस नहीं होता लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को तो एक्सपीरियंस होता है वो तो अपनी सारी लाइफ जो है इस गवर्नमेंट को रन करने में लगा लगा देती है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी भी गवर्नमेंट आए और जाए वो उन तमाम गवर्नमेंट के साथ होती है अनस्टेबल गवर्नमेंट द पार्लीमेंट्री सिस्टम डजेंट प्रोवाइड अ स्टेबल गवर्मेंट देर इज नो गारंटी देट अ गवर्नमेंट कैन सर्वाइव इट्स टेनोर द मिनिस्टर डिपेंड ऑन द मेजोरिटी लेगिस्लेचर फॉर दियर कॉर्डिनेशन एंड सर्वाइवल इन ऑफिस अब यह होता है uh, कि जो अनस्टेबल uh, गवर्नमेंट की हम किस बात करें डिमेरिट की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तो उसमें प्रेसिडेंट को आ, जो है वो अपना टिन और प्योर पूरा करना होता है लाजमी ठीक है चाहे कुछ भी हो जाए उसने अपना टिन और प्योरा पूरा करना होता है कोई भी उसको कुछ नहीं कह सकता कोई भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके अगेंस्ट नहीं ला सकता लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है जो अगर पोजिशन चाहे और अगर कोई भी और पार्लियामेंट अगर उनका अहतम अपने प्राइम मिनिस्टर से ख़त्म हो जाए तो वो इस पार्लियामेंट जो है हो सकता है और जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट और उस पोलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट जो आ, क्या कहते हैं गवर्नमेंट को रन करती है तो ये एक अनस्टेबल गवर्नमेंट हमें शो करती है अनस्टेबिलिटी शो करती है हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि वो किसी भी वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से वो गवर्नमेंट वो पार्लियामेंट जो है हो होकर न्यू इलेक्शन हो सकते और न्यू पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गवर्नमेंट में आके गवर्नमेंट को रन कर सकती है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल